नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा मिस्टर रूराठी को। इनका कहना है कि हमारा देश प्रगति ना करे, हमारा देश सिर्फ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी ही करते रहे। इस डेमोक्रेसी के चक्कर में हमारे देश की प्रगति भूल जाए। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। तुम्हें पता है रूराठी जी, आपको पता है कि देश की जनता, भारत देश की जनता 100% में से 60% भोली भाली है, जिनको ज़्यादातर नॉलेज नहीं है। उनको आप प्रभावित करेंगे अपने वीडियो से, है ना? अरे भाई, थोड़ी देर के लिए प्रभावित होंगे वो, लेकिन एक बात ध्यान में रख, ज़्यादा देर के लिए अपना आपका झूठ चलने वाला नहीं है। हमारे देश को बचाने के लिए हमारी युवा, आप एक वीडियो बना रहे हो, आपके एक वीडियो के पीछे हज़ार यूट्यूबर हज़ार वीडियो बनाएंगे, समझे? जो जनता को आप चूता बना रहे हो, वो जनता को आईना दिखाएंगे, समझे? भारतीय जनता पार्टी का घोटाले वाला काम नहीं है, जैसे कांग्रेस पार्टी का घोटाले वाला काम था। गरीब को मनरेगा का स्कीम निकाला, उसमें भी घोटाला कर रहे। वाह भाई वाह। रह गई अभी अरविंद केजरीवाल की बात, तो अरविंद केजरीवाल के वारंट निकले थे, एक दो वारंट नहीं निकला था, 17 वारंट निकले थे, फिर भी वो पेश नहीं हुए। पेश नहीं होंगे तो क्या उनको पकड़ के नहीं ले गएंगे, उनकी आरती उतारेंगे? वाह भाई वाह, कैसी बात करते हो यार तुम। यानी कि जो तुम आवाज़ निकालते हो ऐसी डराने वाली, और पीछे में डराने वाला वो म्यूजिक रखते हो बैकग्राउंड में, हाँ, यानी कि आपका वीडियो आप इतने स्पीड से बोलते हो कि जनता को कुछ समझ में भी नहीं आता, बस आप जो बात करते हो लॉस वाली, बस वो जनता के दिमाग में डाल देते हो, है ना? वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा यार दोस्त। वाह, पैसे कमाने के लिए यानी तू इतना नीचे गिर सकता है भाई? मैंने तेरे वीडियो उसके पहले भी देखा, जब तूने डिक्टेटर वाला वीडियो निकाला पहला वाला, ठीक है वो सच्चाई के ऊपर था, लेकिन जो वहाँ से चालू हो गया भाई, अरे अरे अरे, इतना नहीं गिरना चाहिए दोस्त पैसे के लिए, समझे? तुझे पता नहीं 2014 के पहले इंडिया का क्राइम रेट क्या था और अभी का क्राइम रेट क्या है? पहले पता कर ले क्राइम के बारे में, समझा क्या? हाँ, तुझे मैं बता सकता हूँ, जो तृणमूल कांग्रेस है पश्चिम बंगाल की तरफ, उधर का क्राइम रेट देख ले, आज भी वही है, उल्टा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन के साथ में बढ़ते जा रहा है, समझा क्या? वहाँ का क्राइम रेट देख ले, अभी अभी एक लेडीज़ को वहाँ पे वो पॉलिटिशियन के किसी पॉलिटिशियन ने अभी अभी वहाँ पे एक लेडीज़ को किसी पॉलिटिशियन ने सरेआम मारा। हाँ, ऐसा होता है क्या? होता है ऐसा? वहाँ की बात करना भाई, वहाँ की बात क्यों नहीं करता? पट्टी क्या? हाँ, ये तेरा प्रोपोगंडा है, पता है मुझे। तुझे क्या लगता है, नायक पिक्चर के समान अनिल कपूर, नायक पिक्चर का जो अनिल कपूर है उसके समान तू, जैसे वो मुख्यमंत्री बना, तू प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ऐसा तुझे लगता है? वीडियो भी बना डाला तूने कि मैं प्राइम मिनिस्टर रहता तो ऐसा करता हूँ, ऐसा करता। हाँ, अरे भाई, ये कोई मजाकबाजी नहीं है, कंचे नहीं खेल रहे, समझ रहे क्या? प्राइम मिनिस्टर बनना बोले तो मजाक बात है, वो भी इंडिया का, हाँ, वर्ल्ड नंबर वन पे लीडर है आज नरेंद्र जी मोदी, समझे क्या? प्राइम मिनिस्टर की बात करता है, वाह, मजाक समझ रहे लोग तुझे, मजाक, समझा क्या? अपना मजाक उड़ाना बंद कर दे भाई, दो पैसे के चक्कर में अपना मजाक मत उड़ा। तुझे दो पैसे क्या, तुझे 200 भी पैसे मिल रहे होंगे या 2000 पैसे, जितने पैसे मिल रहे होंगे ना वो भी, यानी कि तेरी जो ये है ना, क्या बोलते हो उसको, तेरी जो पर्सनैलिटी है ना, वो पर्सनैलिटी को बेच रहा है भाई तू, पहचान पैसों के चक्कर में अपनी पर्सनैलिटी को बेच रहा है भाई, कोई मतलब नहीं है दोस्त, बंद कर दे ये सब। जो काम कर रहा है, जो एक्सप्लोर करता है पहले से, वही चीज़ें एक्सप्लोर कर, समझा गया? नहीं तो फिर जो सच है वो सच बता, झूठ मत बता। झूठ बताएगा आज बताएगा, लेकिन कल पता चल ही जाएगा, बेइज्जती तेरी छूनी है, समझा गया? जितना तुम माइंड ये करते ना डाइवर्ट भोले वाले लोगों का और टीनेजर का, हाँ, मत कर। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये रूराठी का एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है। इसे लगता है कि ये बहुत यानी के ऊँचे लेवल पे अपना वाला प्रोपोगेंडा ले जा सकता है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इंडिया के जो लोग हैं वो पता करवा के ही रहते हैं, समझे?